गुरुवार सुबह महामंडलेश्वर नेपाली बाबा ने महाकालेश्वर के दर्शन किए। इसके बाद पत्रकार वार्ता में कंप्यूटर बाबा पर निशाना साधा, जिसके बाद ओमकारेश्वर के लिए रवाना हो गए। महामंडलेश्वर नेपाली बाबा ने बताया कि विश्व में कोरोना के संकट को खत्म करने के लिए उत्तराखंड के गंगोत्री से उन्होंने देशभर की 12 ज्योतिर्लिंगों की दर्शन यात्रा आरंभ की है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह राजाधिराज के दर्शन किए, इसके बाद ओंकारेश्वर दर्शन करेंगे। कंप्यूटर बाबा के बारे में नेपाली बाबा ने कहा कि कंप्यूटर बाबा को राजनीति करने के लिए पहले भी मना किया था। संतों का काम राजनीति करना नहीं बल्कि राजनीति की शिक्षा देना है, जबकि कंप्यूटर बाबा इसके ठीक विपरीत राजनीति कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। संतों का सदैव अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। अपनी मर्यादा में रहकर ही हर काम संतों को शोभा देता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से लेकर अब तक किसी भी युग में संतों ने तलवारें नहीं उठाई हैं। उन्होंने हमेशा युद्ध कला, राजनीति शास्त्र सहित अन्य शास्त्रों की शिक्षा ही दी है, लेकिन कंप्यूटर बाबा तो शस्त्र के साथ राजनीति करने लगे थे, जिसके चलते उन्हें ये दिन देखना पड़ रहे हैं। कंप्यूटर बाबा, हम संत हैं, मेरा उद्देश्य क्या है? ईश्वर, मेरा उद्देश्य है राजनीति नहीं। हम कंप्यूटर बाबा से भी कई बार बोल चुके थे कि आप इस राजनीति के दौरा में मत रहिए। यह राजनीति किसी व्यक्ति विशेष का होता है, राजनीति संतों के लिए नहीं होता है। संत राजनीति क्या करता है? संत के यहाँ लोग जाते हैं राजनीति पढ़ने के लिए। राजनीति पढ़ाओ, राजनीति करो मत। राजनीति करो मत, राजनीति पढ़ाओ, ये संतों का काम है। संत का काम है आशीर्वाद देना, संत का काम है तलवार चलाना नहीं। कहीं संत तलवार चलाते देखे हो क्या? ये लोग सब तलवार चलाते हैं, इसलिए संत के कैटेगरी से ही लोग गिरे हुए हैं। हम तो यही कहेंगे कि अभी से जहाँ हो वहाँ संभलो और भगवान का भजन करो, भगवान से क्षमा याचना करो, हे भगवान मुझको क्षमा दो। मैं और दूसरी नहीं, निंदा की बात से, विशेष बात से नहीं, सरकार की निंदा नहीं, न कंप्यूटर की निंदा, न दुनिया की निंदा हमारे पास नहीं है। सब अपने अपने धर्म पर चलो। संत संत अपना काम करे, गृहस्थ अपना काम करे, राजा अपना काम करे, रंग का अपना काम करे, यही तो रामराज में होता था। आप ये मानते हैं कि संतों को राजनीति में नहीं, संतों के राजनीति में नहीं आना चाहिए? या हम खुल क्या, हम आप लोग भी अपने सोचिए कि संत यदि राजनीति करे, संत को तलवार चलाने का अधिकार नहीं है, तलवार चलाने के सिखाने के अधिकार है। जैसे भगवान राम जंगल में गए तो भगवान राम को पूरा अस्त्र शस्त्र सिखाए, कि क्या संत लोग जाकर के लंका में लड़ाई लड़े? ऐसी बात तो नहीं होता है, तो उसको संत कहाँ कहा जाएगा।